अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग है अंसर भाई की है बर्थडे। ये है हमारे अंसर भाई, ये उनका यहाँ पे केक रखेंगे हम लोग। केक ला चुके हैं। ये है लारेब, महनूर, हमजा, सुभान, राजा भाई, कल्सूम, ठीक है, और हम सारे आपको पता है किसी यूनिवर्सिटी से हैं। और आज कौन सी वो जो उस लड़की की बनानी है। अच्छा हाँ, एक हमारे रिक्वेस्ट आई थी बर्थडे में विश करनी थी, उसकी वीडियो बनानी है। अच्छा बताएं अंसर भाई कैसा लग रहा है आपको व्लॉग? हमने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप सब आए यहाँ पर। अंसर भाई सबसे पहले तो आपका बड़े वाला थैंक यू, आपने मेरी बहुत अच्छी आप दोनों की चीख वाला व्लॉग मैंने अपलोड किया, इतना फनी था, है ना? कर दिया आपने, है ना? यहाँ लाइट नहीं है एक पूरे सेक्टर में, और हम लोग इस टाइम किस जगह पे खड़े हैं? सीरा कैफे, सीरा कैफे। लाइट का मसला है, पूरा दिन से वेट कर रहे हैं हम लोग, पीछे जा रहे हैं। क्या नाम है उस ब्रांड का? ये नीचे जा रहे हैं, उधर ना चले जाए, वो मंदिर चले जाए। हाँ जा सकते हैं, जब मंदिर का प्लान बन रहा है मंदिर चले, और हम सबका प्लान बन रहा था कि मंदी पे जाने का। और लारेब कहती है कि मैं मंदी नहीं खाती, मैं पिज्जा खाती। वो कहती है कि शीज केक वो कहती है कि वो केक है, बर्गर बर्गर भी नहीं, वो केक है डायरेक्ट। मेरे पास भी बाइक है, मेरे पास भी बाइक है, बाइक की वो सिंगल है। हाँ वैसे भी वाइट शर्ट है दोनों की। चलो जी हम सारे आगे, लेकिन वो बाकी हमेशा की तरह वो लोग पीछे। तो अब हम अंदर बैठते कहते हैं आ जाओ यार ढूंढ के, मंदिर का ये टेबल खाली और अंसर भाई भाग रहे हैं कि ये बुक कर दो हमारा। भाई ऊपर जो इस टेबल है मैं इशारा कर दिया उस भाई को, कर दिया भाई। आजो आजो महनूर, आजो 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 ते। ये देखे अंसर भाई के काम। अंसर भाई महनूर की झूठी तारीफ करें सच्ची करें, ये सच बताइए। देखो एंड पे रिवील भी कर दिया। अभी क्या है कि हमारे साथ पार्टनर सारे किधर हैं? हमारे साथ जो राजा भाई हैं उनका टायर पंचर हो गया है, और सुभान का पेट्रोल खत्म हो गया है, सुभान के लोग समझा है, और राजा भाई के साथ लारेब है, और वो चार लोग पीछे रह के, और हम लोग चार इधर हैं। अभी हम लोग के ऊपर हमने टेबल बुक करवा दी, वहाँ जाके बैठे हैं। सभी जल्दी से ऐसे पहले भी बैठ जाए। से देखने के लिए हम वहाँ से भागते हुए आए हैं। हम तो नहीं खैर अंसर भाई हो रहे हैं। आप लोग कहाँ रह गए थे पहले ये बताएं यार। दोनों किधर है? दोनों पेट्रोल पंप है, दोनों का पेट्रोल भी खत्म। नहीं नहीं राजी का टायर पंचर, टायर शॉप भी है। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो बोलो। अंसर भाई का सिस्टम सही है। अच्छा ठीक है, चलो बोलो।
बोलो यार, ये अपलोड नहीं करना। नहीं मैं फिर अच्छा अंसल भाई एक सीक्रेट है, हम कभी फिर कभी हम लोग रिवील करेंगे वो ट्रूथ है, वो बहुत मजे का सीक्रेट है। हाँ तो हम लोग नहीं व्लॉग में लेंगे, ठीक है? तो जहाँ बैठे ये हमारी बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे धमाका होगा बता रहे हैं, बहुत फेवरेट प्लेस है ये वाली। अरे भाई को भूख लगी है, यहाँ पे फोटोग्राफी चल रही है और खाने खा रहे हैं। यहाँ पे आता है ना कि यहाँ पे अंसर भाई की पिक्चर चल रही है और सब उनकी वजह से अभी तक खाने खा रहे हैं, कुल पिक्चर बना रही है। अच्छा मेरी बात सुने, एक मिनट बड़ी नहीं नहीं ओए सुनना, हम सब सबने पता नहीं, बल्कि इधर दे मैं खुद वीडियो बना ऐसे ऐसे मेरे वीडियो ये ब्लॉग है। तो भाई क्या कर रहे हो? ये खाली प्लेट है, ये मांग ये देखें खाना खाने के बाद क्या हाल किया टेबल का। यहाँ पे कुंबड़े बन रहा है, राजा भाई ने हॉस्पिटल जाना है, उनको कॉल्स आ रही हैं। ये हमें पता नहीं चलता क्या हमदा भाई का ना कोई जिंदगी का कोई बड़ा इम्पोर्टेंट बाकी इसकी बात और हकीकत है सारे, ये मेरे हाथों में पहले निशान देख ले यार, 850 हो गए, ये सर का भी निशान। ये स्टोरी है, अरे स्टोरी है, स्टोरी ये है कि हम यूनिवर्सिटी में थे, एक बीबी ने मुझे कहा कि यार तुम जरा बाहर आओ, ये जो बीबी बैठी है मानूर अच्छा अच्छा कहा बाहर आओ, इबत करनी है एक बंदी की, इसकी कमरे में एक आंटी रहती थी उसकी ये बड़ी तंग थी। अच्छा ये मुझे लेके गई बाहर, उसने इबे की उसकी सही, इसका दिल ठंडा हुआ, ये चली गई। फिर मैं वापस आया, जैसी CIT की सीढ़ियाँ उतरा और बस आगे दरवाजा था वो बंद था, आगे भाई की भाई आगे भी एक लड़की बैठी है बता रही थी जल्दी जल्दी आ जाओ, मैंने दरवाजा बंद था क्रॉस करके चला आया। क्या क्रॉस करके चले गए? शीशे का दरवाजा। क्या हुआ वो मैं आपको विजुअल दिखाता हूँ। वाह कैसी बंद था ना, पता नहीं चला आगे बता रही थी शीशे के ऊपर, शीशा मैं आपको दिखाता हूँ। मैं फिर उसके बाद हुआ ऐसे के चीखों की आवाजें आई मुझे, मैं नीचे से खड़ा हो गया, हर जगह से खून जा रहा है, मैंने कहा बस कुछ ही नहीं चाहिए मुझे, कुछ कपड़ा ला दो या टिश्यू ला दो मैं खून लाऊं। मां नूर मैं चली गई थी, मुझे नहीं पता था कि चीख कौन रहा था। क्या हुआ वो हमारी एक क्लास मेट थी चीख, उसे खून दे गया था। हां जनाब आए, जनाब मुझे हॉस्पिटल लेकर के। अच्छा मुझे कुछ भी नहीं हो रहा, मुझे दर्द भी नहीं हो रहा, यहाँ से कांच घुसे हुए, यहाँ से निकले, यहाँ से घुसे, यहाँ सर में कांच घुसा हुआ, एम्बुलेंस में मेरा फोन खोल, जनाब की फटी पड़ी और रो रहा हूँ राजा भाई। क्योंकि मेरी हमजा की थोड़ी बहस हुई थी तो ना ये देखें, और आपको मैं विजुअल दिखाता हूँ क्या बता नहीं सकते कि मेरे साथ ये हादसा हो गया, वो थोड़ी देर से भी शुगर के और उसके पेशेंट है। तो हुआ इस तरह कि मैंने अपने ताया को फोन किया, ताया भी गांव में थे, उन्होंने चाचू को कह दिया और चाचू मेरे आ गया हॉस्पिटल में। इतने कमीने हैं ये, कहते लड़की की खातिर इसे शीशे से क्रॉस करके खुदकुशी करने की कोशिश। अब मैं एक्चुअल बात मैं बताता हूं, ये सारी मनगढ़ंत स्टोरी है अंशर भाई के अकॉर्डिंग। मैं आपको एग्जैक्ट एक्चुअल में खाने के टेबल पे एक बात बताता हूं, इसकी एक गर्लफ्रेंड थी जो कि अब नहीं है, एक्चुअली वो हमारी क्लास फेलो थी, नाम ना ले, ठीक है, एक्स वाई जेड, नाम ना ले, एबीसी एक्स वाई जेड। उसने इसको कहा कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो ना तो सही है, ये झूठ बोल रहे हैं, सच सच ये बात हुई थी, ये बात हुई थी, सच सच लगा लो इसमें कितनी हकीकत है ये बात। इसने कहा मैं सरदार हूँ मैं छलांग लगा सकता हूँ, तो खैर ये छत पे तो गया ना, तो उसने कहा कि छत पे क्या जाना है, ये सामने छलांग लगा,
संजय दत्त मूवी में नहीं करता वो संजय दत्त से गुजरता है इसलिए मारा सर लड़की परसेंट सच है आगे की स्टोरी मजे की है आगे भाई एम्बुलेंस मेरे घर की मेरे घर में मेरे सारे खानदान वाले पहुंच गए कुछ अरसे पहले मेरी वालदा की डेथ हुई थी तो सारी पहुंचे मुझे पता नहीं क्या हो गया अच्छा अब्बा जी जब मेरा हाल देखा अब्बा जी भाई परेशान हो गए यार ये क्या हो गया अब्बा जी के होशो आवाज उड़ गए अब्बा जी ने तो पहले मुझे गालियां पूरे खानदान वालों फिर भी कॉल एक संगी को कहते वो जुनेद बचपन से मेरे साथ था यूनिवर्सिटी में भी साथ था अबू ने उसको कॉल की जुनेद बेटा ये हमजा के साथ क्या हुआ वो आगे से कहता अंकल क्या हुआ है वो आगे से कहता क्या हुआ है क्यों तुम्हारा साथ नहीं था ये तो अभी एम्बुलेंस में आया इसका सर फटा हुआ है तो अच्छा अब्बा जी कहते अंकल हमारी तो क्लास 5 बजे खत्म हो गई थी हम तो आ गए थे अब्बा जी को और चढ़ गया अब्बा जी ने कॉल काटी अब्बा जी ने कहा जी तू 5 बजे का हॉस्पिटल पड़ा हुआ है सर फटा हुआ इमरजेंसी में तू अब आ रहा है रात को 10:30 जाना वहाँ पर जी मुझे गालियाँ मेरे अब्बा जी ने कहा तू बाइक से गिर उन्होंने मेरे सारे कपड़े उतार के सारी जगह देखने जो हो गए और कहाँ कहाँ लगी पूरे खानदान वालों के दूसरे दिन इन्वेस्टिगेशन के लिए मुझे इसके घर जाना पड़ा और जाके सारी कंडीशन बताई उनको ये हुआ उसके बाद CID में CCTV कैमरे में फुटेज देखी कि ये जनाब शीशे से जा रहे हैं और सही फिल्मी सीन था यार यार वो सीन आपने लिया नहीं सिर्फ वो नहीं दे रहे थे वो नहीं क्योंकि पुलिस केस बन गया था मेरा आईडी कार्ड पुलिस वालों के पास यार वाला सीन बन गया था ना मालूम अच्छा फिल्म में जाके मेरा आईडी कार्ड ले लिया कि आप अपना आईडी कार्ड मैं दे दिया साथ ही जब वो कोऑर्डिनेटर आया ना मैंने कहा ये यूनिवर्सिटी का कोऑर्डिनेटर है मैं तो दोस्त को लाया कोऑर्डिनेटर ने आके कहा कि हाँ ये हमारी यूनिवर्सिटी है मेरा कार्ड वापस करके उसका ले लिया मजे की बात मैडम जो थी हमारी वो बोली नहीं ना 2-3 मंथ बाद मुझे बुला के कहती बेटा जब किसी को नुकसान हो जाता है तो कौन पूरा क्या किया जाता है मैंने कहा मैडम उसका नुकसान पूरा आपने शीशा तोड़ा है आपने शीशा तोड़ा है इसके पैसे कौन भरेगा मैंने आगे बाल हटा के मैडम ये जो मेरा ये टूटे इसके पैसे कौन भरेगा तो बार वहाँ पर नहीं अच्छा वो लड़की ने बाहर बुलाया कि फौरन बाहर आओ मैं तुम्हें कुछ कहने आ और ये बाहर था उसने वो यूनिवर्सिटी के अंदर थी ये यूनिवर्सिटी से बाहर था हां तो उसने जब इसको बोला जल्दी अंदर आओ इसी वक्त अंदर आओ ये क्या भागा उसने इसको पहले टास्क दिया हुआ था कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो अच्छा तो फिर मां के खिलाफ जो के अंदर इसके मामले में मैंने इसे कहा था ये लोग आपको देख के आए हैं देखे कहते हैं हमने भाई से मिलना है अच्छा अब ना सुभान हेलमेट नीचे जाके पहनना है या तुम भी शीशा तो तोड़ने लगे हाँ अभी देखते हैं ना भाई जाके अभी हम लोग यहाँ पे बैग पैक कर रहे हैं कल सुबह अपनी चीज सारी उठा लो और चलते हैं बस खाना बहुत अच्छा था और यहाँ पे टिकट बन गई हम सब लोग खाना खा चुके हैं अंसर भाई की बर्थडे थी अंसर भाई आपको दोबारा से मुबारक हो अल्लाह आपको लंबी जिंदगी अता करे ढेरों खुशियाँ और अभी इसके साथ हम लोग व्लॉग एंड करते हैं आज का ठीक है हम सबका शुक्रिया अदा करें थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू स्पेशली सर एहसन को बहुत बहुत शुक्रिया कलसून को मानू को स्पेशल शुक्रिया जिसने सारा प्रोग्राम अरेंज किया ऑर्गेनाइजर नूर ने ऑर्गेनाइज किया ये सब कुछ सबको इनवाइट किया थैंक यू थैंक यू मानू सुभान चला गया सुभान लारेब चले गए हाँ। क्योंकि लारेब को जाना था जल्दी क्योंकि काफी लेट हो गए थे वो लोग भी और महनू के साथ हमजा भाई क्या डिस्कस कर रहे हैं हमजा भाई कह रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ अपनी न्यू मामा को अपने पापा के साथ यहाँ लेके और मैं इनको स्टोरी बता रही हूँ कि हमने भी
अभी न्यू मामा जो मिली बड़ी तसल्ली वाली मिली, बड़ा मुझे इंटरेस्ट हुआ। नहीं मिली। चलें ठीक है, उसके साथ ही व्लॉग एंड करते हैं। स्टोरी आपको दोबारा सुनाएंगे। अल्लाह।